हूँ भाई। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के पास जो स्पेशल रेसिपी लेकर आ रहा हूँ वो है चिली गार्लिक नूडल्स की। तो बहुत ही मज़े के होते हैं और स्पाइसी भी होते हैं। स्पाइस आप इसमें अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लो। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करें। अच्छा भाई, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है गार्लिक, और गार्लिक के साथ हमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें चाहिए होती हैं, और जो नूडल के आप अपने सॉसेज हों वो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अंडे चाहिए होते हैं, और नूडल तो चाहिए होते हैं जब नूडल बन रहे हैं, ठीक है। और मक्खन और थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा हम लोगों ले ले लेना है ऑयल। ऑयल के अंदर जो है हम थोड़ा सा डालेंगे मक्खन, थोड़ा सा मक्खन और ऐड कर लेते हैं क्योंकि हम 3 नूडल का बना रहे हैं। गर्म होने देते हैं, और गर्म होने के बाद इसके अंदर फिर जो है लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन को फ्राई करेंगे। अच्छा भाई, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो है ना मक्खन जल ना जाए। तो मैं इसके अंदर जो है गार्लिक इस तरीके से क्रश करके ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, जितना आप गार्लिक ऐड करना चाहें कर सकते हैं, बस नॉर्मल रखिएगा। आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको टेस्ट देगा, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको ऐड। थोड़ा सा मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ गार्लिक, ज़रा अच्छा टेस्ट देता है, बेहतरीन है ना। तो इसके अंदर आप इस तरीके से क्रश करके गार्लिक को डाल सकते हैं, या बारीक चॉप कटा हुआ भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा भाई देखिए, माशाल्लाह लहसुन कितना ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है। आपने बस ये कोशिश करनी है लहसुन जले नहीं, जलाना नहीं है, बस इसको फ्राई करना है, अरोमा अच्छा से लाना है। फिर इसके अंदर आपने अंडे ऐड करने हैं। तो भाई अंडे हम ले रहे हैं 3। एंड ये आ गया 3रा अंडा। अच्छा भाई, इसके अंदर आप ऐड कर लें काली मिर्च एंड नमक अंडे के अंदर, और इसको आप लोगों ने फेटा लगा लेना है ऐसे करके। और थोड़ी सी इसके अंदर हम लोगों ने हरी मिर्चें भी ऐड कर लेने ली है अंडे के अंदर, फेट लेंगे। अच्छा भाई, अब आप इसके अंदर जो है अंडा अपना ऐड कर लीजिए और इसको चलाते रहें। ये जो है इस तरह के नूडल्स जो है ना मेरे फादर जो हैं हम लोगों को बना के खिलाते हैं, और ये एक्चुअली उनकी रेसिपी है। तो उनसे पूछ के मैं बनाता हूँ जब भी बनाता हूँ, तो मुझे याद हो गई। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं अच्छे बनेंगे, और बहुत लजीज होते हैं ये, माशाल्लाह बहुत लजीज होते हैं। अच्छा, मीनवाइल जो है मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूँ, ये अंडे को इस तरीके से आप लोगों ने करते रहना है। मीनवाइल जो है आप नूडल्स को जो है ना बहुत खौलते हुए पानी में भी डाल के रख दें तो वो रेडी हो जाएंगे, या फिर बॉयल कर लें। तो सिंपली इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नूडल बॉयल करना तो सबको आते ही हैं। हमारा बस अंडा भी हो गया रेडी। 3 मैगी हैं, 3 मैगी के मसाले जो हैं इसके अंदर हम वो भी ऐड कर रहे हैं। ये भी आप ऐड करना चाहें तो करें, ना करना चाहें ना ही करें, इट्स ऑप्शनल, लेकिन हम लोग जो हैं वो कर देते हैं। मतलब मेन इस रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो है मक्खन, लहसुन एंड हरी मिर्चें, अंडा और नूडल, और गार्लिक। तो आप लोगों को पता है, पता नहीं आप लोगों को पसंद हो, मुझे जो है ना गार्लिक का अरोमा और टेस्ट बहुत पसंद है। गार्लिक बहुत अच्छा है हर किसी खाने में, आपने टेस्ट डाल रहा हूँ ना, आप गार्लिक ऐड करें। मैंने जो अपनी कढ़ाई की रेसिपी बताई थी उसमें भी गार्लिक था मेन, जो टेस्ट ऐड करता है ना गार्लिक, वो बहुत ज़बरदस्त ऐड करता है। देखिए, बस आपने कोशिश लगाना नहीं है, अंडे को जलाना नहीं है, बस अब थोड़ा इसको आपने चला ही लिया, पकाया, और इसके अंदर बस आप हरी मिर्च और नूडल ऐड कर देंगे। थोड़ी आपने हरी मिर्चें भी ऐड करी। अच्छा, हरी मिर्चें भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब कि जो भी चीज़ है ना अपने फ्लेवर के हिसाब से आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। कभी हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाने का विचार होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें और कर लेते हैं, गार्लिक का अरोमा ज़्यादा चाहिए तो बहुत ज़्यादा गार्लिक कर देते हैं। लेकिन अभी गार्लिक फिर भी मैंने कम डाला है। वैसे तो नॉर्मल रेसिपी में ना आप 3 से 4 जगह डालें गार्लिक के, ज़्यादा नहीं डालें। ये हो गया भाई रेडी अंडे का, नूडल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं जो ना थोड़ा सा जो नूडल का अपना पानी होता है ना जिसमें आप उसको बॉयल करते हैं या भिगो के रखें, तो वो भी ऐड कर दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा, मतलब 3 टेबल स्पून आई थिंक इट विल बी इनफ। और अब आपने इसको कर लेना है मिक्स,
सॉसी बनाने के लिए। सॉसी नहीं बनाना तो आप पानी ना भी ऐड करें, लेकिन वो ज़रा एक अच्छा टेक्सचर देता है। अब इसको आपने कर लेना है मिक्स आराम से प्रॉपरली। इसमें से पहले मैं इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें और ऐड कर रहा हूँ। और मतलब आप लोगों को पता है हम लोग को तो स्पाइसी के बगैर मज़ा ही नहीं आता ना, तो आप इसमें कम स्पाइसी भी रख सकते। भाई माशाल्लाह से नूडल हो चुके हैं रेडी, और माशाल्लाह धुआं देखें क्या ज़बरदस्त निकल रहा है इनमें से। ओहो हो, अच्छा भाई देख लिया होगा आप लोगों ने माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त नूडल बने हैं और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका भाई आपको टेस्ट करके नहीं बताया यार, आप लोगों को मज़े भी तो देने ना मैंने यार ASMR वाले इफेक्ट के साथ। क्या धुएं निकल रहे हैं भाई, ओहो हो हो ओहो हो हो ओहो हो भाई बिस्मिल्लाह रहीम। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह देखो भाई देखो, धुएं चेक करो। माशाल्लाह माशाल्लाह अमेजिंग। क्या बने यार माशाल्लाह नूडल। थोड़ा आप लोगों को और मजे करवाऊं, जब भी हम लोगों ने पाकिस्तान में नूडल खाने होते हैं ना, अबू ये वाले तो हम अबू बोलते हैं, मैं ये वाले नूडल बना दें, बहुत मज़े के बनने अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत मज़े के बने। और इस रेसिपी को आप लोग भी ट्राई करें, अब हम लोग मिलके बैठ के खाते हैं। तो मैं अगेन शॉर्ट में रेसिपी बता देता हूँ। नूडल चाहिए आपको, गार्लिक चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, अंडा चाहिए, और अंडे में नमक और काली मिर्च डालनी है आप लोगों ने बस, और इसको बना लेना है। बेहतरीन रेसिपी है, मज़े की रेसिपी है, और उससे तो रुका नहीं आ रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद आई हो तो भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और मोहब्बतें बांटते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के भी चेहरे पे मुस्कुराते लाते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।